आज हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या है ये प्रोडक्ट, किस चीज़ में काम आता है ये प्रोडक्ट। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे ये ऐसा एक टेप है, ऐसा डबल साइडेड टेप है जो मुझे लगता है हम सब के घर पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये है बड़ा पावरफुल टेप, आई मस्ट से। तो बने रहिए इस वीडियो पर और देखते रहिए वीडियो एंड तक। तो कैसे हो दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू नॉटी चाचू। आज हम बात करने वाले हैं नॉन रेसिड्यू टेप के बारे में, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डबल साइडेड टेप के बारे में, या फिर न जाने क्या क्या कहते हैं, एक नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ डबल साइडेड टेप, पता नहीं क्या क्या नाम है इस चीज़ के मार्केट में। हम बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की, आईवी ग्रिप टेप। इस प्रोडक्ट का नाम एक्चुअली आईवी ग्रिप टेप नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने जब अमेज़ॉन पर ये प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया था तो जो कीवर्ड मैंने सर्च किया था वो था नॉन रेसिड्यू टेप। तो नॉन रेसिड्यू टेप सर्च करने पर आपको कईयों सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये डबल साइडेड टेप के अलग अलग ब्रांड नेम्स मिल जाएंगे। इनका प्राइस यूजुअली स्टार्ट होता है 150 रुपये से लेकर के 300, 350 या 400 रुपये तक, आपको कई रेंज में मिल जाएंगे। तो मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था 360 रुपीस में दो पीस, यानी कि 180 रुपये के मुझे ये दो पीस मिले थे, जिसमें से एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। मैं रहता हूँ एक रेंटेड घर में जहाँ पर मुझे ड्रिल वगैरह करना अलाउड नहीं है, और मुझे बड़ा शौक है वॉल पर कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स लगाने का, या जो बैकग्राउंड में आप लाइट्स देख रहे हो इस वक्त वो सारी चीज़ें, या छोटे छोटे फ्रेम्स या ऐसे कुछ क्रिएटिव फ्रेम्स लगाने का। तो ड्रिल नहीं कर सकता था, तो क्या एक ऑप्शन था मेरे पास ऐसा कि बिना ड्रिल किए इन सारी चीज़ों को मैं अपने वॉल पर लगा सकूं। तो मैंने यूज़ किया इस नॉन रेसिड्यू टेप का या डबल साइडेड टेप का। वैसे आप ध्यान से इसको देखो तो ये कुछ दिखने में ऐसा लगता है, दिखता है ना बिल्कुल एक ऑर्डिनरी टेप की तरह, बट ये है बहुत पावरफुल। मैंने इस चीज़ से ऑलमोस्ट बैकग्राउंड के सारे लाइट, सारे फ्रेम्स चिपकाए हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके एक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो कहने को आता है कि ये कम से कम 10 केजीज तक का वज़न उठा लेता है या भार सह लेता है। और सबसे ख़ास बात क्या है जानते हैं इस टेप की? इस टेप को यूज़ करने के बाद बाय चांस अगर आप चाहते हैं ये टेप निकालना तो आप इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने उस चीज़ को काफ़ी दिनों से चिपका के रखा है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो यूजुअली जो नॉर्मल टेप्स होते हैं वो एक रेसिड्यू छोड़ जाते हैं या फिर एक एडहेसिव छोड़ जाते हैं वॉल पर, जिस पर बाद में कुछ धूल मिट्टी बैठ करके वो जगह या तो काली या कुछ अलग रंग की पड़ जाती है। क्यों ना इसको हम लोग ज़रा सा टेस्ट कर लें लाइव एनवायरनमेंट में, और क्यों ना हम इसे देख लें कि हम इसे और कहां कहां यूज़ कर सकते हैं। यहां पर इस वक्त मेरे पास एक कीचेन होल्डर है जो कि एक्चुअली इस वक्त हमने कुछ इस तरीके से धागा बांध करके टंगा के रखा है ये कीले पर। एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये एक फ्लैट सरफेस है, अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। और अगर आप नैनो टेप यूज़ कर रहे हैं डबल साइडेड टेप, मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ जितने अब तक मैंने काम किए हैं, अगर ये फ्लैट सरफेस हो तो ये बहुत बेटर आपको रिजल्ट देता है, बहुत बेटर तरीके से चिपक जाता है वॉल पर या फिर टाइल्स पर या जहाँ पर भी आप चिपकाना चाहते हैं। वज़न इसका होगा 500 ग्राम या फिर 600 ग्राम के आसपास, और जब हम इसमें चाबियाँ अटकाएंगे, जैसे कार की है, बाइक की कीज़ हैं, काफ़ी सारी चाबियाँ अटक जाएंगी तो और थोड़ा वज़न बढ़ जाएगा। आसपास इतना बड़ा मैं टेप काटूंगा, आप देख रहे हैं इसने किस तरीके से मेरे कैची को पकड़ लिया है। कट तो गया है वैसे ये, बट इसने इसका फॉर्म बिगाड़ दिया है। वो आपने देखा पिछले कैची ने इस टेप की क्या हाल कर दी, बट स्टिल मैं इसी को यूज़ करूँगा और इसको सही तरीके से काट लूँगा। कट तो गया है ये मेन, मैं इसको और दो हिस्सों में काटूँगा। ये दो हिस्सों में कट चुका है, एक जो पार्ट है वो यहाँ लगेगा और दूसरा जो पार्ट है दूसरा मैं यहाँ चिपका रहा हूँ। और डबल साइडेड होने की वजह से इसमें एक ये फिल्म आती है जिसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ चिपकाने वाला हूँ। यस, काफ़ी बेटर तरीके से ये लग चुका है अगर आप देख सकते हैं। तो एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैंने वॉल पे एक फ्रेम चिपकाया था, थोड़ा बड़ा फ्रेम था वो, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा।
तो हुआ यूं कि उसके पीछे, मैं एक मिनट ये फ्रेम सही कर लेता हूँ, अब मैं बात कर सकता हूँ। हुआ यूं कि उसके पीछे एक नॉर्मल जो डक्ट टेप होता है या फिर सेलो टेप अगर कहो, उसके ऊपर अगर आप इस टेप को चिपकाएंगे तो यूजुअली इसका बॉन्डिंग इतना परफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरफेस और इस टेप के बीच में अगर कोई चीज़ आएगी तो वो ठीक से उसे पकड़ता नहीं है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से वो फ्रेम, एक्चुअली जो मैं लगाया था काफ़ी बड़ा फ्रेम है, तो वो फ्रेम नीचे गिर गया था। नाउ इस केस में यहाँ पर जो चीज़ मैंने डायरेक्ट सरफेस पर चिपकाई है वहाँ पर टेप और सरफेस के बीच में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली वो सरफेस से चिपक जाता है। दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा, अगर हम वॉल पे ये टेप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो पेंट के साथ वो निकल जाता है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग काफ़ी हार्ड होती है। तो यूजुअली इसको आप चाहो तो किचन के सर्फेस या किचन की जो टाइल्स होती है उस पर, या बाथरूम टाइल्स जो होती है उस पर, ये एकदम परफेक्ट रहेगा क्योंकि उसमें किसी भी तरह का पेंट निकलने का डर नहीं रहेगा। अब हम लोग जाएंगे किचन में ताकि वहाँ पर थोड़ा बहुत चेक करके देखें कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम आ गए हैं अभी अपने किचन में, और किचन में मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास ये छोटी मोटी चीज़ें हमारे पास किचन में होती है जैसे लाइटर, स्टेपलर और ये चाकू। यूजुअली मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं लाइटर ढूंढता हूँ क्योंकि अर्चना लाइटर कहाँ रख देती है नहीं पता रहता, तो कुछ इतना साइज़ मैं काटूँगा और मैं इसको अभी वॉल पर चिपका देता हूँ। सो आप देख सकते हो ये चिपक गया है, अब मैं इसका ऊपर का ये कवर निकाल देता हूँ। नाउ जो चीज़ हमें रेगुलरली निकालनी पड़ती है या फिर यूज़ करनी पड़ती है उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिपकाते हम लोग, जैसे ऐसे अटका के रख दिया, ये अटक गया। लाइटर, इसको ऐसे अटका दिया। चाकू, वैसे चाकू की मैंने ज़ोर से नहीं अटकाया था तो वो गिर गया, और इसका वज़न भी है, लाइटर का वज़न भी होता है तो हमें थोड़ा ज़ोर से इसको अटकाना पड़ेगा, और वो राउंडेड शेप में है, इट्स नॉट फ्लैट। तो एटलीस्ट इससे इसका कैपेसिटी पता चल जाएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर इसमें से कोई एक चीज़ अभी गिर जाती है तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने लंबे समय तक वो पकड़ के रख सकता है। तो अब इसको निकाल के देखते हैं। अब आप देख रहे हो जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो देखो ये कैसे छूट गया है, यहाँ से वॉल से छूट गया है स्ट्रेचेबल होने की वजह से। ये देखो इसमें बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वुडन और प्लास्टिक, दिस इज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ लिया है इसने। अब मैं इसको खींच के निकालता हूँ, खींच के निकालने पर भी ये इजीली निकल तो गया है बड़े ही आसानी से। तो बहुत से लोग कहते हैं ये वॉशेबल भी है, मतलब इसके एड्स में तो कहते हैं कि वॉश करके भी इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको वॉश करता हूँ और देखता हूँ कि इसका अडहेशन या इसका जो स्टिकीनेस है वो बरकरार रहता है कि नहीं। इसको मैं वॉश कर रहा हूँ, वॉश करने के बाद इसका जो अडहेसिव है हाथ में तो नहीं चिपक रहा है ये, तो ये वॉश करने के बाद चिपका के देखते हैं। अडहेसिव इसका सुखाना पड़ेगा क्या, इसका अडहेसिव पूरा ही जा चुका है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें अडहेशन। सी, ये चिपक भी नहीं रहा है। धोने के बाद एक बार सुखा के देखते हैं इसको क्लॉथ पर, शायद सूखने के बाद थोड़ा अडहेसिव, हाँ थोड़ा सूख रहा है तो अडहेसिव उसका वापस आ रहा है शायद से। वाइप करने के बाद नहीं, इसका अडहेशन यानी एक्चुअली धोने के बाद इसका अडहेसिव उतना कारगर नहीं है। सो गिर रहा है, जैसे जैसे सूख रहा है तो इसका अडहेसिव वापस आ तो रहा है, लेट्स ट्राई इट अगेन। नहीं, तो धोने के बाद इसका अडहेशन कम हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये उतना स्ट्रांग होगा क्या, उतना स्ट्रांग नहीं होगा, हैवी जो चीज थी हमारी लाइटर, ये देखिए छूट रहा है और ये छूट गया। सो धोने के बाद इसका अडहेसिव ख़त्म हो जाता है और जुल्म नहीं ढाते हैं। यू कैन नॉट से दिस इज़ रीयूजेबल, सो ये हो गया वेस्ट।
तो आप लोगों ने देखा कुछ एक जगह पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ और कुछ एक जगह पर ये बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो पर या फिर व्लॉग के साथ या फिर कोई रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। और अगर आप चाहो तो इसकी मदद से अपनी वाइफ का मूवी चिपका सकते हो। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था ऐसे ही। कैंसिल। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूचना जनहित में जारी।